विश्व रक्तदान दिवस के मौके पर ब्लड डोनर्स एवं फलाए हयात वेलफेयर सोसाइटी के पदाधिकारियों ने ब्लड बैंक का संचालन करने की मांग की। महामहिम राज्यपाल के नाम संबोधित ज्ञापन SDM संबल दीपेंद्र सिंह यादव को उनके कार्यालय नई तहसील पर सौंपते हुए फलाए हयात एवं ब्लड डोनर्स ने कहा कि संबल एक बड़ी लाखों की आबादी वाला शहर है। 100 बेड के बने जिला अस्पताल में ब्लड बैंक 3 वर्ष पूर्व स्थापित किया गया था, लेकिन दर अफसोस कि आज तक ब्लड बैंक पैथोलॉजिस्ट की तैनाती के कारण चालू नहीं हो सका। आए दिन ब्लड की समस्या बनी रहती है, लोगों को अपने मरीज के लिए दूर दूसरे शहरों की दौड़ लगानी पड़ती है। 3 वर्ष पूर्व केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री द्वारा 87 ब्लड बैंक जो पूरे देश में बनाए जाने की घोषणा की गई थी, उसमें एक नाम संभल का भी शामिल था। जिला अस्पताल संभल में ब्लड बैंक तो बना, परंतु पैथोलॉजिस्ट न होने की वजह से चालू नहीं हो सका। आज 14 जून जो कि विश्व ब्लड डोनर्स डे के रूप में मनाया जाता है, लेकिन हमारी बदकिस्मती, हम कैसे आज के दिन रक्तदान महादान के संदेश को आगे बढ़ाएं। जल्द से जल्द ब्लड बैंक का संचालन कराया जाए ताकि लोगों का जीवन बच सके। कोरोना काल में तो सबसे अधिक समस्या ब्लड की ही रही है। ज्ञापन देने वालों में मोहम्मद शाकिर, फरजंद अली बारसी, मोहम्मद अरकान, मोहम्मद ताविश, समीर वाहिद, आसिफ रजा, मोहम्मद आसिम, नाजिश मुख्तार आदि लोग मौजूद रहे। देखिए, आज पूरे देश के नौजवानों और खासकर ब्लड डोनर्स के लिए 14 जून का दिन एक अहम दिन है, क्योंकि आज का दिन रक्तदान दिवस के रूप में मनाया जाता है। और संभल एक लाखों की आबादी वाला शहर है। जिला अस्पताल में ब्लड बैंक बन चुका है 3 वर्ष पूर्व, लेकिन पैथोलॉजी ना होने की वजह से उसका संचालन नहीं हो सका था। राज्यपाल महामहिम के संबोधित एक ज्ञापन हमने HM संभल को सौंपा है, जिसमें हमने उनसे मांग की है जल्द से जल्द पैथोलॉजी तैनात किए जाएँ ताकि ब्लड बैंक का संचालन हो सके। छोटे कारण यहाँ आने का ये था कि संभल में जो जिला अस्पताल में केंद्रीय सरकार की तरफ से जो 3 साल पहले ब्लड बैंक स्थापित किया गया था, उसमें मशीनें तो आ गई थी, लेकिन वो मशीनें जंग खा रही हैं। पैथोलॉजिस्ट यहाँ नहीं तैनात किए गए हैं, तो हमारी मांग ये है कि संभल में पैथोलॉजिस्ट को तैनात करें और जो हमारी बरसों पुरानी मांग है उसे पूरा करें।